एक प्रयास करना, जिनके पेट में तकलीफ रहती हो, उधर में तकलीफ रहती हो, पेट दुखता ही रहता हो, भोजन पचता नहीं हो, या बड़ी बड़ी बीमारी पेट से जुड़ी हो जाती है, यहां तक कहूंगा डॉक्टर बड़े ऑपरेशन का बोल रहा हो, तो एक निवेदन जरूर करूंगा कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री का पत्ता रखकर उस पत्ते के सामने शिव और शक्ति का नाम लेकर भगवान शंकर और पार्वती के नाम से दो बाती का दीप, कितनी बाती, दो बाती का दीप शिवजी और माता पार्वती के नाम से लगा दे, विनती करे माँ से, माँ हे शिव हमारा उदर से जुड़ा हुआ परेशानी है, भोजन पचता नहीं, बहुत एसिडिटी होती या तकलीफ होती, बाबा को विनती कर कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को करें लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का उपाय पेट की समस्या के लिए है। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो आपके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। गैस, एसिडिटी की समस्या तो आज के समय में आम सी हो गई है। हर इंसान गैस, तेजाब, एसिडिटी से परेशान है। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने गैस तेजाब की समस्या के लिए बहुत ही सरल उपाय बताया है, और वही उपाय मैं आज आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। उपाय को ध्यान से समझना। पहले भी मैंने इस उपाय का वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि कब करना है, कैसे करना है, घी का दीपक लगाना है या तेल का दीपक लगाना है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही करना है या किसी और पेड़ के नीचे हम ये उपाय कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दे रहा हूं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह उपाय कोई भी इंसान कर सकता है और यह उपाय कभी भी किया जा सकता है। इस उपाय के लिए कोई खास दिन या कोई खास समय का कोई प्रावधान नहीं। जब भी आपको कोई समस्या लगे, पेट से जुड़ी हुई समस्या जब भी आपको हो, तभी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए हमें लेना है एक बेलपत्री का पत्ता और एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप अपने घर पे आटे का दीपक भी बनाकर ले सकते हैं। बेलपत्री का पत्ता जो हम ले रहे हैं, वह बेलपत्री का पत्ता कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, वह पत्ता बिल्कुल संपूर्ण होना चाहिए। कहीं से कटा पटा हुआ पत्ता हमें नहीं लेना। यह उपाय हमें बेलपत्री के पेड़ के नीचे करना है, और किसी भी पेड़ के नीचे हम ये उपाय नहीं कर सकते। आपको जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक बेलपत्री का पत्ता रख देना है, और उसके सामने माता पार्वती और भगवान शिव का नाम लेकर शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित करना है, दीप लगाना है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो आप दीप लगा रहे हैं वह दीप आपको दो बाती का लगाना है। दो बाती का दीप इसलिए लगाना है कि एक बाती भगवान शिव के नाम से और दूसरी बाती माता पार्वती के नाम से आपको लगानी है। दीप आप घी का भी लगा सकते हैं और तेल का भी लगा सकते हैं, वह आपकी इच्छा है। दीप प्रज्वलित करने के बाद शिव और माँ पार्वती को विनती करें कि हे माँ, हे शिव, मेरे पेट से जुड़ी समस्या है। विनती करके जो बेलपत्री का पत्ता आपने रखा था उसको उठा लें, और वहीं बैठकर
उसी जगह पर बैठकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बैठकर उसको खा लें। चबा चबा कर खाना है। दीप ठंडा होने से पहले पहले आपको यह पत्ता उठाकर खा लेना है। आपको यह उपाय लगातार 5 से 6 दिन तक करना है। शिव और माता पार्वती की कृपा से, शिव और शक्ति की कृपा से आपकी गैस की समस्या ठीक हो जाएगी। अगर गुरु जी के बताए किसी भी उपाय से आप में से किसी को लाभ हुआ है तो कृपया कमेंट में अपना पूरा नाम और किस उपाय से क्या लाभ हुआ है जरूर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को बाकी सभी को दिखा सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, जय महाकाल।